हेलो एवरीवन, टुडे आई विल कवर सम एरर करेक्शन रिलेटेड इंग्लिश विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि आपने अगर मेरे इस स्टडी व्यू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि बेल के नीचे वाला बटन को दबाकर, जिसके टाइम टू टाइम मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अपलोड करने वाला है, जिससे आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सके। ये देख लेते हैं इन एरर करेक्शन को। द क्रिकेटर डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस, येट दे वेयर नॉट डिसअपॉइंटेड, रेदर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल और नो एरर। तो यहाँ पर जो एरर है वो नंबर वन में है, बिकॉज इन द प्लेस ऑफ केम शुड बी कम होना चाहिए। मैं बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो है डिड नॉट, डू और डज, डिड डू और डज के बाद जो है वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ होता है, ना कि सेकेंड और थर्ड का। तो यहाँ पर जो है एरर करेक्शन वो है केम में, तो यहाँ पर होना चाहिए कम। चलिए नेक्स्ट वंस को देख लेते हैं, जो कि है ही कंप्लेंट टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन एंड दैट वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी और नो एरर। तो जो आंसर है वो है नंबर थ्री, बिकॉज लिफ्टेड की जगह लेफ्ट का प्रयोग होता है। लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना, तथा इसका पार्ट पार्टिसिपल लिफ्टेड होता है, जबकि लिफ्ट का अर्थ होता है छोड़ना, जिसका पार्ट पार्टिसिपल लेफ्ट होता है। अर्थात गिवन सेंटेंस में लिफ्ट लिफ्टेड की जगह लेफ्ट का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है कैन आई लेंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज, नो एरर। तो यहाँ पर आंसर जो है वो नंबर टू होगा। इन द प्लेस ऑफ लैंड वी विल यूज़ बोरो, बिकॉज लैंड की जगह बोरो का प्रयोग होता है, क्योंकि बोरो का प्रयोग टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन के अर्थ में होता है, जबकि लैंड का प्रयोग गिविंग समथिंग टू समवन के अर्थ होता है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और यहाँ पर एरर जो करेक्शन है वो नंबर टू में है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, नो एरर। तो इसका जो एरर है वो नंबर वन में है। इन द प्लेस ऑफ सेड वी विल यूज आस्क, बिकॉज सेड की जगह आस्क का प्रयोग होगा, वेदर के पहले आस्क का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाई गैलीलियो, नो एरर। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो नंबर टू में होगा, बिकॉज इन द प्लेस ऑफ डिस्कवर वी विल यूज़ इन्वेंटेड, डिस्कवर की जगह इन्वेंटेड का प्रयोग होगा, क्योंकि इन्वेंटेड का अर्थ होता है खोजना, डिस्कवर मीन्स टेकिंग आउट समथिंग प्री एग्जिटिंग बट अननोन, और इन्वेंट मीन्स होता है फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू। अगला जो सेंटेंस है, द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस ब्रॉट इन द मार्केट रिसेंटली इज रियली एन एसेट्स फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, नो एरर। तो यहाँ पर जो एरर है वो नंबर टू में है। इन द प्लेस ऑफ ब्रॉट वी विल यूज इंट्रोड्यूस, बिकॉज ब्रॉट की जगह इंट्रोड्यूस का प्रयोग हुआ, क्योंकि ब्रिंग का अर्थ लाना तथा इसका फर्स्ट फॉर्म ब्रॉट होता है, जबकि इंट्रोड्यूस का अर्थ परिचय देना या प्रचार कराना, जिसका फर्स्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है। गिवन सेंटेंस के अनुसार इंट्रोड्यूस ही उपयुक्त होगा। अगला जो सेंटेंस है, वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट एस्टरडे आई फाउंड इट सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक्स, नो एरर। तो यहाँ जो इस सेंटेंस में आंसर नंबर थ्री होगा। इन द प्लेस ऑफ फाउंडेड वी विल फाउंड, बिकॉज फाउंडेड की जगह फाउंड का प्रयोग होगा, क्योंकि फाइंड का अर्थ पाना तथा इसका पास्ट फॉर्म फाउंड होता है, जबकि फाउंड का अर्थ न्यू डालना, बुनियाद डालना, इसका पास्ट फॉर्म फाउंडेड होता है। गिवन सेंटेंस के अनुसार के लिए फाउंड की उपयुक्त होगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो दोस्तों, द एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन, नो एरर। तो यहाँ जो एरर है वो नंबर टू में है। ब्रॉडकास्टेड की जगह ब्रॉडकास्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का प्रेजेंट पास्ट तथा पार्ट पार्टिसिपल एक ही होता है, अर्थात ब्रॉडकास्टेड का प्रयोग नहीं होता है। इन द प्लेस ऑफ ब्रॉडकास्टेड वी विल यूज ब्रॉडकास्ट।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपलोड करने के बाद मिल जाए। और मैं यहाँ पर कंपटीशन के ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपके कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम के हेल्प हो सके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वॉचिंग माई स्टडी व्यूज।